भिवंडी में शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने जब्त किया मेडिसिन, नशे का बड़ा जखीरा, नींद की गोलियां, बटन और कप सिरप समेत किया एक को गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने खंडूवाड़ा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसके पास से लगभग 240 बोतलें कप सिरप की और बड़े पैमाने पर अल्प्राजोल नामक नींद की गोली, जिसे आमतौर पर मेडिसिन नशा करने वाले बटन कहते हैं, उसके बॉक्स बरामद किए हैं। इस संबंध में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 7 जून सोमवार को एक पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें भिवंडी जोन 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान ने पूरी जानकारी दी। इस वक्त भिवंडी पूर्व और पश्चिम के तथा शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। चार 6/2021 को बाबा होटल के सामने जो खंडूपाड़ा है, उसमें दो लोग जो है वो कुछ गोलियां और सिरप लेके जा रहे, जिसका जिनके पास उनके पास इसके बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली और शांतिनगर पुलिस स्टेशन के जो DB के स्टाफ है और अफसर है, तो उसमें जो है इनका नाम अशरफ इजाज अहमद अंसारी, 23 साल का है, खंडूपाड़ा भिवंडी में रहता है। उसके पास से उस जो बरामद हुआ माल, उसमें लगभग फैंसी रेक्स करके जो जैसे कि जो सिरप है जैसे कोरेक्स वगैरह, तो इसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कुछ नहीं था। उसके पूछताछ करने के बाद दो जो उसमें 240 बॉटल मिली है और AK-1 करके दो गोलियों के बॉक्स मिले हैं, ऐसा 28,960 रुपये का वो पूरा मुद्देमाल। उसमें एक मोटरसाइकिल जमा की गई है और एक मोबाइल भी उनके तरफ से, जो आरोपी है उनकी तरफ से ताबे में लिया गया है। और वो हिसाब से CR नंबर 344/2021, 300 IPC 328/273/276 और जो औषधे सौंदर्य प्रसाधन एक्ट 1940 का, उसके तहत गुनाह दाखिल कर दिया गया है शांतिनगर में। तो ऐसा टोटल जो है 164,840 रुपये का जो मुद्देमाल है,
वो हमने सीज़ किया उन लोगों की तरफ से, उनके उनके यहाँ से। और ऐसे ही जो जैसे कि टोटल जो हमने ये बॉटल्स है 960 बॉटल उनके यहाँ से मिली है। उसी तरीके का जो है 28/5 को भी एक घटना हुई थी, जो भादौड़ पाइपलाइन नाके के पास एक जो बंदा है वो पोगाव चौकी की तरफ जा रहा था, मेफेड्रिन MD जिसे बोलते, तो लगभग हमने वहाँ से मेफेड्रिन क्रिस्टल पाउडर 18 ग्राम का जो है, ये तो बहुत महंगा होता है, 1 किलो के इसकी शायद 20 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत होती है। तो मोहम्मद अली इरशाद अली कुरैशी 47 साल का है, ये जो है वर्तक नगर थाना में रहने वाले, यहाँ इसके यहाँ से ताबे में लिया है इसको, और मेफेड्रिन भी मिला है, और वो 36,000 रुपये का टोटल माल ऐसा मिला है, और उसके SX4 गाड़ी और 2 मोबाइल ऐसा 5,54,300 रुपये का माल मिला है, और 328/2021 NDPS एक्ट के तहत उसके ऊपर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जो है गुनाह रजिस्टर कर लिया है। ये सभी इसमें आरोपी पकड़े गए, और उनकी तरफ से जो माल मिला है वो भी सीज किया गया है। इसका जो तपास है हमारे सीनियर PI जो है इसमें शांतिनगर के सीनियर PI शीतल राउत है, उसके बाद नितिन पाटिल है, और हमारे ACP उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें, किरण कबाड़ी है, और जो क्या नाम है इनका, जो हमारे PSI पाटिल, PSI नीलेश जाधव, PSI शेड़के, पुलिस हवलदार रविंद्र चौधरी, पुलिस नायक सुशील इथापे, पुलिस नायक रिजवान सैयद, पुलिस नायक तुषार वड़े, पुलिस नायक प्रसाद काकड़, पुलिस सिपाही किरण मोहिते, पुलिस सिपाही दीपक सानप, पुलिस सिपाही अमोल इंगळे, पुलिस सिपाही किरण जाधव, पुलिस सिपाही रवि पाटिल, और जो हमारे कांस्टेबल है श्रीकांत पाटिल, इन्होंने सब ने मिल के ये तपास किया है, और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। हालांकि आपको पता है कि जब से ये 5-6 महीने पहले से पूरे शांतिनगर हो, भोईवाड़ा हो या निज़ामपुरा, सभी पूरे भिवंडी जोन में जहाँ जहाँ इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो पुलिस वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जाके पूरा काम कर रही। शांतिनगर में इसके पहले ही हमने गांजा, चरस, अफू और बाकी जो चीज़ें आपको भी पता है कि अच्छी खासी मात्रा में बरामद की है, लोगों के ऊपर अच्छा मैसेज जाने के लिए ये जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी लोगों का मैं ये अभिनंदन करता हूँ, हमारे जो CP साहब हैं, नए CP साहब, उनके मार्गदर्शन में, जॉइंट CP साहब जो है, और हमारे एडिशनल CP अनिल कुंभारे साहब, इनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम मेरे सहित सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों को मैं मतलब ये कहना चाहूँगा हमारे सभी स्टाफ को, और अच्छी और इसके आगे जाके ऐसी कार्रवाई हो और बड़ी बड़ी कार्रवाई, और ये सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे पास कंप्लेंट आती है कि साहब ये इन्होंने कोरेक्स लिया है, फैंसी डील ले रहे, ये कर रहे, वो कर, अलग जगह पे, और ऐसे ऐसे नशेड़ी लोग भी रहते हैं, तो जैसे ही ये हमारे पास आपके ज़रिए अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो इमीजिएट हम कार्रवाई करें, और ये मैसेज जाना चाहिए, जिस तरीके से गलत तरीके से इलिसिट एक्टिविटीज़ कोई भी करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। भिवंडी पुलिस इसके लिए पूरी तरह सतर्क है। धन्यवाद। तो जिस तरह से भिवंडी शहर में नशीली पदार्थ बेचा जाता है और इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करती है, सर जो इनको सप्लाई करते हैं पुलिस वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती? नहीं नहीं, सप्लाई करते उनके हम पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो एक प्रॉपर ऐसा कुछ चैन होता है ये मैं नहीं कहने वाला, लेकिन इसके पहले भी जो आरोपी है उनको माल बार बार कहाँ से मिलता है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, वो कहीं मिलते नहीं उसके, और पुलिस के पास इसके अलावा कोरोना काल में बहुत सारे काम है, लेकिन ये केस में हम आगे तक जाने की कोशिश करेंगे, और बाकी के आरोपियों जो भी इन्वॉल्व, टोटल में मुद्दे माल मेरे ख्याल से एक मैंने जो पता है बताया गोलियों के इसमें गोलियाँ और सिरप के 1,64,840 का है, और जो दूसरी मेफेड्रिन की जो कार्रवाई MD की 5,54,300 रुपये का पूरा माल जो है गाड़ियों के सहित वो हमने सीज किया है, ताबे में लिया है। जिन अपराधियों को रिहाई मिलेगा वो तो पहले से आपराधिक बैकग्राउंड है? नहीं, अभी तो उसकी पूछताछ जारी है, जो है इसमें अगर ऐसा रहेगा तो हमारे इलाके में रहेंगे तो उनके ऊपर तड़ी पारी की कार्रवाई की जाएगी।